मथुरा में किराने की दुकान में लगी भीषण आग, करीब 50 लाख का माल जलकर हुआ राख। मथुरा के नेशनल हाईवे पर थाना जैक क्षेत्र स्थित छट्टीकरा में गुरुवार की सुबह किराना की थोक की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग ने दुकान और ऊपर बने आवास को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण एक महिला घायल हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर। आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही चीफ फायर ऑफिसर एनपी सिंह 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन आग की भयावहता देख 2 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया। टीम ने पहले जेसीबी की मदद से शटर को तोड़ा, उसके बाद आग पर काबू पाने के प्रयास किए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दम घुटने से महिला हुई घायल। दुकान के फर्स्ट फ्लोर पर बन बिहारी अग्रवाल की मां रामवती सोई हुई थी। अचानक आग लगने के कारण पूरी दुकान और घर में धुआं भर गया। दमकल कर्मियों को जब रामवती के फंसे होने की जानकारी हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम ने पीछे से रास्ता बनाते हुए आग के बीच दुकान में एंट्री की और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला। धुआं भर जाने के कारण रामवती बेहोश हो गई, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आग लगने के कारण हुआ 50 लाख रुपए का नुकसान। दुकान स्वामी बन बिहारी अग्रवाल ने बताया कि दुकान में 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल था। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा नकद, लैपटॉप और अन्य जरूरी कागजात थे। आग लगने के कारण सब जलकर खाक हो गया। जी, आज सुबह की घटना है। लगभग 6:45 बजे 5:45 सूचना मिली थी आग लगने की। छटनगला पुल के नीचे दुकान में आग लगी है, जिसमें तत्काल जो है हमारी 2 गाड़ियां भुवनेश्वर से, वो एक गाड़ी जो है वृंदावन से, 3 गाड़ी पुल मौके पे आई। और नीचे मालूम हुआ कि ये बनवारी सेठ की दुकान थी, किराने की, परचून की। ग्राउंड फ्लोर पर दुकान थी और ऊपर जो है इनका आवासीय परिसर था, जिसमें आग बुझाने के साथ इसे मालूम हुआ कि यहाँ पे इनकी माँ जो है रामवती देवी, इनकी माता जी जो है जो वृद्ध थी, उम्र लगभग 60 साल के ऊपर है, तो वो उसमें आग में फंसी हुई थी। पहला प्रयास हुआ कि आग बुझाने के साथ साथ तुरंत ये हुआ कि उनको बचाने का पूरा प्रयास हुआ, जिसमें तत्काल जो है लेडर लगा करके और जेसीबी से नीचे की तरफ रास्ता बना करके लेडर लगा करके साइड से हमारा फायरमैन BSH पहन करके चढ़े हैं और बड़े ही जान जोखिम में डाल करके उनको माता जी को जो है बाहर निकाले हैं। माता जी उनकी जब बाहर निकली जीवित अवस्था में थी, उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया है। आग पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है, थोड़ी बहुत बची है, अभी बुझाई जा रही है, बुझ जाएगी पूरी तरह से। अच्छी बात यह रही कि जीवन को बचाने का पूरा प्रयास फायर सर्विस ने किया है, हमारे कर्मचारियों ने किया है। बड़ा रिस्की काम था, बहरहाल उनको बचा करके अस्पताल भेज दिया गया है। ये ऑपरेशन में पर 5 बजे घटना है, तुरंत गाड़ी आई है, लगभग अभी काम चल रहा है, बस आग बुझ चुकी है। मान चलिए कि ये सवा घंटा डेढ़ घंटा के आसपास पूरा आग निशमन कार्य में लगा है।